आज की डिज़ाइन का हम स्टार्टअप करेंगे। लाइक पाम पोर्शन ये है मेरा, देन पाम पोर्शन से मैं एक टर्निंग में लाइन क्रिएट कर रही हूँ फॉर द मार्जिन। देन जो लोटस हमने क्रिएशन किए थे, जो भी लोटस मैंने आप लोगों को सिखाया था, उन्हीं लोटस का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। टर्निंग पोर्शन पे मैं स्केलप की लाइन क्रिएट कर रही हूँ। यस्टरडे हम लाइव नहीं आए थे, सो एक चीज़ भी मुझे पता चली कि कुछ लोग ऐसे फ्री नहीं बैठे थे। यस्टरडे का लाइव सेशन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जितनी मैंने डिज़ाइन बताई थी वो सब डिज़ाइन को मिक्सअप करके बहुत सारे लोगों ने क्रिएशन भी किए हैं। कुछ ने फ्लोरल बंच बनाए हैं, किसी ने पीकॉक बनाए हैं। सो रियली प्राउड ऑफ यू ऑल, बहुत ही अच्छा काम किया है आप सब ने। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मैंने जैसा सिखाया वैसा आप लोगों को समझ में आया है। वो सब चीज़ों को फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से अच्छे अच्छे क्रिएशन भी किए हैं। तो मैं स्टार्टअप कर रही हूँ यहाँ से ड्रॉप शेप से। राइट पेटल, लेफ्ट पेटल लोटस की, देन सेकंड स्टेप। देन राउंड, देन यहाँ से मैं टू लाइन क्रिएट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेट लोटस नहीं लिया है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट पे है। देन डाउन पोर्शन पे यहाँ पे राउंड करके ये जो दो लाइन क्रिएट कर रही हूँ वो थोड़ी सी टर्निंग पोर्शन पे है। थोड़ी सी टर्न की है मैंने, स्ट्रेट नहीं की है। जो एम्प्टी एरिया है उसको राउंड करके मैं एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट करके इस तरीके से एक शेप बना रही हूँ। देन अपोजिट, जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको अच्छे से कवर करना है।
नेक्स्ट थोड़ा स्लीपिंग पोजीशन में यहाँ पे मैंने लोटस ड्रॉ किया है, थोड़ा सा जो इसका डायरेक्शन है वो स्लिप पोजीशन पे है। अगेन कंटिन्यू करूंगी मैं वापस से, एक ही डायरेक्शन में आपको लोटस नहीं लेना है, कभी सीधा कभी उल्टा कभी राइट कभी लेफ्ट कभी स्लीपिंग कभी स्टैंडिंग। इस तरीके से जो भी एम्प्टी स्पेस है उनको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे। देन यहाँ पे भी मैं इस तरीके से लोटस का ड्रॉप शेप क्रिएट कर रही हूँ। देन आफ्टर लोटस बनने के बाद कहीं पे भी आपको एम्प्टी स्पेस दिखता है तो पहले उसको अच्छे से कवर करना है। मैं हैंड पे ही बना रही हूँ, मैंने पेपर पे हैंड का प्रिंटिंग लिया है, तो आप अपने हैंड को नॉर्मल ऐसे फोटो कैप्चरिंग करके आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, अदरवाइज आप एक्रेलिक हैंड से पेपर पर ड्रॉ करके भी कर सकते हो। आउटसाइड यहाँ पे मैं बॉर्डर दे रही हूँ फॉर द ब्लैक पोर्शन जो मुझे फिलिंग करनी है। देन यहाँ से मैं स्मॉल लीव्स क्रिएट करूँगी, डॉट एंड स्टॉक। स्मॉल स्मॉल टर्निंग पोर्शन पे देन इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम लीव्स का यूज करना है, डॉट एंड स्ट्रोक। इस तरीके से लाइव आने का टाइमिंग 7 to 8 o'clock है। देन IGTV पे जो वीडियो रहने वाला है उसका टाइमिंग 8 to 10 o'clock।
इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में ल्यूज का यूज करना है। आप भी मेहंदी लगाते हो लेकिन आपका परफेक्ट नहीं दिखता है, तो उसके लिए एक ही एडवाइस देना चाहूँगी। मेरी जो डिज़ाइन में क्लियरिटी है, ये 1 मंथ या 1 ईयर का हार्डवर्क नहीं है, मैंने इसमें 8 ईयर्स का हार्डवर्क किया है। सो आप हार्डवर्क करोगे देन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका वर्क भी बेस्ट होगा। आप सोचोगे कि 1 डे में या 1 मंथ में परफेक्ट हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हार्डवर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप हार्डवर्क कितना करते हो। थोड़ा फास्ट दिखाओ, यहाँ पे मशीन नहीं है कि मशीन चला दी और फास्ट वर्क हो जाए। दैट इज़ द प्रोफेशनल वर्क, प्रोफेशनल वर्क में इतनी स्पीड नहीं रखते हैं। देन आउटसाइड जो बॉर्डर हमने किया था उसको इस तरीके से फील करना है। कटवर्क यहाँ पे हमने बनाया है आज। जब लोटस बनाए थे तो किसी ने पूछा था कि लोटस कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप मेहंदी में उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे लिया है, स्टार्टअप ही मैंने लोटस के कटवर्क से किया है। स्लोली उसको अच्छे से फील करना है। फीलिंग में कहीं पे भी ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। अदरवाइज कैसा है कि जब भी आपका स्टेन आएगा तो लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन में दिखेगा। तो जो फीलिंग का जो टेक्निक है उसको आपको एकदम अच्छे से ही फॉलो करना है और बहुत आराम आराम से ही ये सारी डिज़ाइन को बनाना है। आप थोड़ी सी भी स्पीड फास्ट पकड़ोगे, थोड़ा सा फास्ट करोगे तो हो सकता है कि कहीं पे मेहंदी ज़्यादा निकले, कहीं पे उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा हो, कहीं पे कम हो। सो हैंड स्टेबल होना और हैंड कंट्रोल में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूसली आउटसाइड बॉर्डर करके ही आपको फिलिंग करनी है, कहीं से भी स्टार्टअप नहीं करना है। देन जब भी कटवर्क यूज़ करो, जब भी कटवर्क की डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं या कभी भी लोटस के वेरिएशन या कोई भी कटवर्क हम करते हैं तो मेहंदी का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा लूज ही रखना चाहिए।
उससे आपका कटवर्क भी ब्यूटीफुल दिखेगा और फिनिशिंग भी काफ़ी उसमें अच्छी दिखेगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा थिक अगर आप पेस्ट रखते हो तो कटवर्क में जो प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए वो फिनिशिंग नहीं मिल पाती है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। डेली हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न करते जाएंगे। आज का जो पैटर्न है हमारा डिज़ाइनर पैटर्न है, डिज़ाइनर मेहंदी ही करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। बट थोड़ा फैंसी लुक। इस तरीके से कम्प्लीटली आपको कटवर्क की फिलिंग करनी है। देन मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है इस वजह से मैं सिर्फ बता देती हूँ कि आउटलाइन बॉर्डर तो आपको करना ही है। इस तरीके से सारे लोटस पे आउटलाइन बॉर्डर आपको क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, टर्निंग में यहाँ पे मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ। देन डार्क बॉर्डर यहाँ पे बनाया है। अगेन मेरा सिंपल प्लेन वाला बॉर्डर, सॉरी प्लेन वाली लाइन। देन लास्ट फिंगर से फोर फिंगर जितना स्पेसिंग यहाँ पे मैं एम्प्टी रख के डिज़ाइन स्टार्टअप कर रही हूँ, फोर फिंगर जितना। यहाँ पे मैं केज ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केज होते हैं। सो यहाँ पे मैं हाफ साइड पोर्शन पे स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रही हूँ। देन विंडो ओपन करने के लिए क्रॉस लाइन क्रिएट करके ओपन विंडो का केज बनाया है यहाँ पे। देन क्रॉस लाइन लाइटली हैंड से बनानी है, फाइनल लाइन नहीं है। दैट मीन्स कि डार्क लाइन आपको क्रिएट नहीं करनी है, लाइटली हैंड से क्रॉस लाइन यहाँ पे बनानी है। अगेन कॉर्नर पॉइंट से वापस से मैं क्रॉस लाइन यहाँ पे बना रही हूँ। वापस क्रॉस लाइन, केज बनाने की सबसे इजी स्टेप है ये। एकदम इजी वे में मैंने आपको बताया है आज केज बनाना। आप इस डिज़ाइन को लाइक बैक हैंड में यूज़ कर सकते हो, फ्रंट हैंड में यूज़ कर सकते हो। हैंड पे कैसे यूज़ करना है किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बिकॉज मैं हैंड पे ही बना रही हूँ। आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट करना है, जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसको हाईलाइट करेंगे। इस तरीके से तो इसमें एम्प्टी रखना है तो हम एम्प्टी भी रख सकते हैं फॉर द एकदम फैंसी लुक के लिए। अदरवाइज यहाँ पे मैं स्मॉल सा राउंड करके डॉट करके स्मॉल बर्ड बना रही हूँ। इस तरीके से देन स्मॉल डॉट सेंटर में बिग डॉट। सेंटर पोर्शन से फ्लावर क्रिएट करूंगी। सबसे पहले स्पाइरल बनाया मैंने, देन स्केलप की लाइन, अगेन स्केलप,
हार्ट शेप में कनेक्ट करके फ्लावर बना रही हूँ, जो हमने फर्स्ट डे के सेशन में सीखे थे। अगेन स्पाइरल डॉट टर्निंग पोर्शन पे स्कैलप, इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं। आउटसाइड केज का जो भी एरिया है हमारा, अगेन स्केलअप की लाइन, डबल स्केलअप की लाइन, कनेक्टिंग हार्ट शेप। थोड़े से डिस्टेंस पे ही बनाना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लावर बनने के बाद ऐसा ना हो कि कोई भी फ्लावर की साइज छोटी बड़ी हो जाए, देन एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ मिक्स ना हो। सो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस का मार्जिन रख के ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इस तरीके से देन हम अब इसका आउटलाइन जो बॉर्डर है वो कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले सारे फ्लावर का क्रिएशन किया है और एक साथ में यहाँ पे सारे फ्लावर का आउटलाइन बॉर्डर जो है डार्क पोर्शन में बनाऊंगी। इस तरीके से आपको जो भी फ्लावर पसंद है वो फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट स्मॉल साइज़ में, ज़्यादा बिग साइज़ में यहाँ पे फ्लावर नहीं आएंगे और केज से ज़्यादा बड़े फ्लावर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो केज बनाया है वो हमने केज को हाईलाइट करने की कोशिश की है, तो इस वजह से फ्लावर का पोर्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केज। देन स्पाइरल स्केलअप डबल स्केलअप डॉट सेंटर पोर्शन पे एक सिंगल स्ट्रोक वाली लीव, देन जो भी हमारा एम्प्टी स्पेस है दो फ्लावर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस आया है वहां पे हम स्पाइरल ड्रॉ करेंगे। डबल स्केल अप की लाइन यहाँ पे बनाएंगे, देन डॉट 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 अब दो जो फ्लावर हमने बनाया है आउटसाइड, ये दोनों फ्लावर के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बीच में मैं यहाँ पे लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से
देन ये एरिया हमारा कवर हो चुका है. नेक्स्ट ये दो फ्लावर के बीच में यहाँ पे गैपिंग है. इसको स्पाइरल के साथ कंप्लीट करना है. देन स्केलप की लाइन. डॉट सिंगल लीव. नेक्स्ट यहाँ पे हमारी स्पेसिंग है. सो आपको प्रेशर से डायरेक्ट ही यहाँ पे लीव्स क्रिएट करनी है. इस तरीके से. सो आफ्टर फ्लावर इसका लुक देख सकते हो कि बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही हैवी दिख रहा है यहाँ पे. अदरवाइज हम सिंगल केज यूज़ करते हैं तो ये जो पोर्शन है आपका आउटसाइड पोर्शन थोड़ा एम्प्टी दिखता है. सो इस वजह से आप यहाँ पे बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो. देन ये पोर्शन को भी मैं कवर करूँगी यहाँ से. जल्दी जल्दी से कमेंट करके कमेंट में बताओ हमारी आज की डिज़ाइन कैसी बन रही है. अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है, जस्ट डन हाफ वर्क. आप सबको भी बनानी है. देन अब आफ्टर केज ये पोर्शन पे हम स्केलअप की लाइन क्रिएट करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. रोशनी आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया, सुपर्ब, थैंक यू. ये आज डे 8 का हमारा थोड़ा यूनिक मॉडर्न फैंसी क्रिएशन था. हम डेली कुछ ना कुछ यूनिक ही करने वाले हैं. देन यहाँ पे मैं इस तरीके से लीव्स क्रिएट कर रही हूँ दो. देन जो मेरा स्केलअप का जो पोर्शन है, जो लाइन है, यहाँ पे स्मॉल डॉट एम्प्टी नहीं रखनी है इस लाइन को. देन ये पोर्शन भी हमारा यहाँ पे एम्प्टी है. यहाँ पे भी मैं एक स्मॉल फ्लाइंग बर्ड यूज करूँगी. इस तरीके से एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है. यहाँ पे हमने ओपन विंडो का केज बनाया है तो जो बर्ड्स है वो सारे फ्लाइंग पोजीशन में रहेंगे. देन
अगर हमारा जो केज है उसकी विंडो नहीं है और केज आपने बंद करके रखा है, तो बर्ड्स आउटसाइड पोर्शन पे आपको फ्लाइंग पोजीशन में नहीं दिखाना है, बर्ड उसके अंदर ही आपको रखना है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम फिंगर पोर्शन को कवर करेंगे। सो फिंगर पोर्शन के लिए भी आपको लाइटली डिज़ाइन नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज ये हमारा थोड़ा सा हैवी लुक भी दे रहा है डिज़ाइन, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी फिंगर भी आपको हैवी करनी है। एंड फिंगर में कभी भी आपको फास्ट वर्क नहीं करना है। रजनी मैम, मैं भी मेहंदी लगाती हूँ बट फास्ट, इसलिए मेरे हाथ में फ्री फिनिशिंग नहीं आती। आपको देखकर समझ में आया कि फिनिशिंग चाहिए तो काम को स्लो करना होगा, देन पेशेंस रखना होगा। यस राइट, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए। स्कैलप ड्रॉ करके यहाँ पे मैंने दो बॉर्डर क्रिएट किए हैं। मैम ये हैंड कहाँ से मिलेगा? ये हैंड कहीं से नहीं मिलेगा आपको, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। आप अपने खुद के हैंड का पिक लेके उसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास एक्रेलिक हैंड है तो आप एक्रेलिक हैंड से पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। देन वो भी नहीं है जिन लोगों के पास, तो आप अपने हैंड को नॉर्मल किसी पेपर पे, हार्ड पेपर पे ड्रॉ करके उसकी कटिंग करके उसको आप पेपर पे रख के आउटसाइड जो बॉर्डर है वो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्मॉल ग्रिड लाइन यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नर पॉइंट से आपको स्टार्टअप करना है। सारे बॉक्सेस की साइज सेम होनी चाहिए, कोई भी बॉक्स छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग में डिटेलिंग और डिज़ाइन अच्छी दिखानी है तो देन सब में मैं यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट ऐड कर रही हूँ। ये लेमिनेट नहीं है, नॉर्मल पेपर है, लेमिनेट नहीं है। देन हम नेक्स्ट फिंगर को स्टार्टअप करेंगे। ये हमने स्टार्ट की है अप टू डाउन, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग के अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन का लुक है वो शो होगा। सो सारे डिज़ाइन जो है कनेक्ट ना हो उसके लिए कहीं कहीं पे फिंगर अप टू डाउन यूज़ करेंगे, कहीं पे डाउन टू अप यूज़ करेंगे। तो सेकेंड फिंगर में यहाँ से डाउन टू अप यूज़ करूँगी बट को
कोई भी दो डिज़ाइन का वेरिएशन लेके आप फिंगर बना सकते हो, सारी फिंगर में अलग अलग डिज़ाइन नहीं बनेगी। इस कॉन्सेप्ट के साथ मैचिंग करने के लिए मैं यहाँ पे वापस से लोटस यूज़ करूँगी। देन इस वाली फिंगर में अगेन जो फर्स्ट फिंगर में हमने डिज़ाइन बनाई थी वो यहाँ पे वापस रिपीट होगी। डबल लाइन, डबल स्केलप की लाइन, डार्क बॉर्डर, सिंगल लाइन, अगेन डबल स्केलप की लाइन, देन लास्ट फिंगर का जो पोर्शन है वो हमारा बहुत कम है, सो हम इसका स्टार्टअप यहाँ से करेंगे। थोड़ा सा स्पेसिंग रख के करना है। देन अगेन यहाँ पे मैं लोटस यूज़ करूँगी। बिकॉज फिंगर मेरी छोटी है तो स्मॉल फिंगर में आपको स्मॉल लोटस नहीं यूज़ करना है, हाफ लोटस ही यूज़ करना है। एक फिंगर पे टिप नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिज़ाइन आपको कम्प्लीटली करनी है। एक फिंगर पे डिज़ाइन को आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पे सब पोर्शन में टिप का जो एरिया है वो हम लोगों को मिल चुका है, बट लास्ट फिंगर पे टिप का पोर्शन नहीं मिला है लेकिन डिज़ाइन को कवर किया है। तो एक मिस्टेक यही सबकी होती है कि लास्ट फिंगर में या तो डिज़ाइन आप छोड़ देते हो टिप की डिज़ाइन के लिए, अगर हम सारी फिंगर में मैचिंग पोर्शन ले रहे हैं, सारी फिंगर में मैचिंग डिज़ाइन ले रहे हैं तो आपको फाइनली लास्ट फिंगर तक आपको सारी डिज़ाइन को कवर करना है। अगेन हम ग्रिड यूज़ करेंगे। डॉट डॉट सारे बॉक्सेस में कुछ लोग डिज़ाइन बहुत अच्छी बनाते हैं बट फिंगर के पोर्शन में स्पीड पकड़ लेते हैं और स्पीड से फिंगर के एरिया को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप मेहंदी बहुत अच्छी लगाते हो बट फिंगर में आप गड़बड़ करोगे, फिंगर अच्छी नहीं बनाओगे तो वो दूर से ही हाईलाइट होने वाली है। तो अगर स्टार्टिंग आपने बहुत अच्छी की है तो मेरा मानना यही है कि आप एंड भी बहुत अच्छे से करो। स्टार्टअप से लेके एंड पोर्शन तक आपको सारी डिज़ाइन अच्छे से ही बनानी है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है डिज़ाइन में कहीं पे भी।
आई होप यू कि आज की डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आई हो. देन जो इसकी टेक्निक है, जो स्टार्टअप है, जो एंडअप है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो. जिनको नहीं भी आया है, आप IGTV पे वीडियो देख सकते हो. 10 बजे तक वीडियो रहेगा, आप वापस से देख के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. मैम कल लाइव नहीं आए थे क्या? नहीं आई थी मैं कल, मेरी ब्राइड थी तो मैंने वीडियो डाला है ऑलरेडी. सो कल लाइव नहीं आ पाई थी. टिप्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली लूज पसंद है तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है. दोनों लीव्स लेफ्ट साइड अलग अलग पोजीशन में रहेगी. देन सेंटर लीव्स जो है दोनों लीव्स से थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए. तीनों लीव्स एक लेवल में और एक ही डिस्टेंस पे नहीं आएगी. सो फाइनल लुक आप देख सकते हो. किस किस को ये डिज़ाइन पसंद आई है, किस किस को समझ में आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ.